मैं दीप्ति भारद्वाज, पिताजी की जो साहित्यिक क्षेत्र में हिंदी साहित्य की जो सेवाएँ रही हैं और उन्होंने जो साहित्यिक काम किए हैं, उनकी जो पुस्तकें आईं और उनका जो मूल्यांकन रहा उसके आधार पर उनका मूल्यांकन किया गया। कितनी पुस्तकें लिखी हैं? पिताजी की करीब एक दर्जन से ज़्यादा पुस्तकें हैं और सभी निबंध, ललित निबंध पर पुस्तकें, आलोचना पर हैं, समालोचना पर हैं और इतिहास पर हैं और जीवनी साहित्य पर हैं। इस तरीके की कई सारी पुस्तकें हैं और जिन्होंने लोगों के जीवन को बदलने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है और उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने संज्ञान लिया है और उनको सम्मानित करने की सोची। कब आपको जाना है और किस तरीके से आपको सूचना दी गई है? मुझे तो सूचना अखबारों के माध्यम से ही पता लगी है। जब प्रेस से फोन आने शुरू हुए तो ये पता लगा कि इस तरीके का कोई पुरस्कार मिल रहा है और सुन करके इसलिए आह्लाद हुआ कि एक तरीके से जो व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा के पड़ाव पर है, अंतिम पड़ाव पर है और उसे उसके कृतियों को अब जाकर के सम्मान मिल रहा है, समाज उसे अब स्वीकार कर रहा है, सरकार बदलने के बाद ये जो एक बड़ी अजीब सी स्थिति है कि साहित्य में भी सरकार जब होती है, जिसकी सरकार होती है उस तरीके का मूल्यांकन होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सभी को सम्मानित किया है और मैं पापा जी की ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद देती हूँ और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर सदानंद गुप्त जी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पिताजी की कृतियों का मूल्यांकन किया और उसे समय रहते उस पर संज्ञान लिया। फादर जी की कौन सी किताब है जो मार्केट में भी अच्छी रही, पॉपुलर रही है? और आंसू और शोले, उनकी जब वो बीए में पढ़ते थे तब उनकी प्रकाशित हुई थी और वो चीन ने जब हमला किया था भारत पर उस पर लिखी गई उनके पुस्तक। ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मैंने कभी उन चीज़ों को उस तरीके से नहीं पढ़ा। और उसके अलावा पापा जी की एक जो सबसे प्रसिद्ध किताबों में है विश्व की विभूतियाँ, पापा जी का एक शोध जनरल निकलता था, रिसर्च जनरल निकालते थे शोधेश्वर नाम से, नवगीत सर्जन और समीक्षा करके नवगीत को पहला स्थान देने वाले, नवगीत पर पहला प्लेटफॉर्म देने वाले पिताजी थे। और उसके अलावा उनकी बहुत सारी रामकथा पर जो उनकी किताब है वो तो रामकथा पर जो लोग कथावाचक हैं वो उसका बहुत उपयोग करते हैं। कर्मयोग पर उनकी जो पुस्तक थी कर्मयोग की साधना, तो वो उसे पुरस्कार पहले भी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने पुरस्कृत किया था। और उसके अलावा उनकी बहुत सारी पर्यावरण चेतना करके उनकी एक पुस्तक रही और उन्होंने बहुत सारे विभिन्न पहलुओं पर काम किया। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता, मानव जीवन और साहित्य, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों पर। और पिताजी का मूल काम जो था वो भारतीय शास्त्र को ध्यान में रखते हुए, भारतीय वाङ्मय को ध्यान में रखते हुए उस पर काम करना। भगवान शरण। भगवान जी, बाबा आपको सम्मानित किया जा रहा है, कैसा लग रहा है इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है। आप कॉलेज में किस पद पर तैनात थे? हैं? बरेली कॉलेज में किस पद पर तैनात थे? अध्यक्ष थे हिंदी विभाग के। तो माननीय सीएम जी आपको किस बात को लेकर सम्मानित कर रहे हैं और कब जाना है कुछ? 12 नवंबर को जाना है और वो सम्मानित कर रहे थे। रोहित आ जाओ, कुछ बोलिए। तो बाबा कब जाना है आपको पुरस्कार के लिए? माननीय सीएम जी आपको सम्मानित करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी 12 नवंबर। 12 नवंबर को जा रहे हैं? हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको इस बुढ़ापे पे और सम्मानित किया जा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। स्वर्ग हुआ है यार। बोलते हैं बाइक को ले लो।